नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को इस साल दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीदा ने अपने करियर में गाइड, रेशमा और शेरा, प्यासा और रंग दे बसंती जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। इस बात की जानकारी मंगलवार को इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने दी। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट शेयर करते हुए ठाकुर ने लिखा, मुझे यह जानकारी देते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में उनके श्रेष्ठ योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अनुराग ने आगे लिखा, ऐसे समय में जब ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया है, वहीदा जी को इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाना भारतीय सिनेमा की लीडिंग लेडीज के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और विनम्रता पूर्वक उनके काम के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं, जो हमारे फिल्म इतिहास का हिस्सा है। 54 साल के इतिहास में अब तक यह अवार्ड सिर्फ 7 ही महिलाओं को दिया गया है। सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में एक्ट्रेस देविका रानी को दिया गया था। इसके बाद रूबी मेयर्स, कानन देवी, दुर्गा खोटे, लता मंगेशकर और आशा भोसले को यह अवार्ड से नवाजा गया है। 2020 में यह अवार्ड वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को दिया गया था। वहीदा रहमान अपने 57 साल के करियर में करीब 90 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलु माराई से डेब्यू किया था। इसके बाद बॉलीवुड में प्यासा, गाइड, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहेब बीवी और गुलाम, खामोशी, कभी कभी, लम्हे, रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी फिल्में दीं। अपने करियर में वहीदा ने गाइड और नील कमल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। वहीं रेशमा और शेरा के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा एक्ट्रेस को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा उद्योग में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसका नाम भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले धुंडी राज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्हें प्यार से दादा साहेब फाल्के बुलाया जाता है। दादा साहेब ने ही वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की थी। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। यह भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए नकद, एक प्रमाण पत्र, रेशम की एक पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये लेटेस्ट जानकारी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक लेटेस्ट जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।